नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक प्रशांत। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 48 वोल्ट 750 वाट की किट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो आज वीडियो में आपको खाली अनबॉक्सिंग दिखेगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं इस मोटर को यूज़ करके DIY प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, आप आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जो किट है मैंने मंगाया है राज इलेक्ट्रोमोटिव अहमदाबाद से, आप भी डायरेक्टली उनसे बाय कर सकते हैं। आपको एक साल की वारंटी मिलती है इस किट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप जाके वहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, स्टार्ट करते वीडियो को। डिफरेंस ऐसे कुछ दिखता है, राज इलेक्ट्रोमोटिव की ब्रांडिंग, ई रिक्शा का फोटो, एक साल की वारंटी, 500 kg तक लोड। तो बॉक्स के इस तरफ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखे मिलती है, जैसे एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी, पोल्यूशन फ्री, हैवी लोड मोटर किट, और बाद में लो मेंटेनेंस, बैटरी ऑपरेटेड, हैवी लोड कैपेसिटी। इनका एड्रेस यहाँ पे मिल जाता है, ईमेल आईडी आपको ये सेम डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपको राज इलेक्ट्रोमोटिव यहाँ पे लिखा गया, इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट, 10 रुपये से प्रति किलोमीटर, पानी से भी सस्ता। और किट की फ़ोटो यहाँ पे, सारी इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं करना और क्या करना चाहिए, तो बॉक्स को खोलते हैं पहले। जैसे ही मैंने बॉक्स को खोला तो सबसे पहली चीज़ वो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे वो है इनवॉइस, जो कि मेरे नाम पे है, मेरे एड्रेस पे है, राज इलेक्ट्रोमोटिव की तरफ से। इसका टोटल प्राइस 8,700 दिख रहा है यहाँ पे, इंक्लूडिंग GST, शिपिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो आपको भी मैं बोलूँगा कि विद GST ले। यहाँ पे लिखा गया मोटर किट, 48 वोल्ट 750 वाट का, टैक्स सारे जुड़ा के, शिपिंग जुड़ा के, अदर चार्जेस मिला के 8,700 में मुझे यहाँ पे पड़ा है। तो आप भी डायरेक्टली उनसे बाय कर सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जब भी आप ले तो यहाँ याद रखें कि आपको GST के साथ ही लेना है, कोई भी कहीं से भी आप मटेरियल ले। तो रखते हैं इसको साइड में। और सबसे काफ़ी सारे लोगों को PCB डिज़ाइनिंग और कंपोनेंट डिज़ाइनिंग काफ़ी पसंद है, उसमें से मैं एक हूँ। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए LTM लेके आया, LTM डिज़ाइनर और LTM 365, जो LTM डिज़ाइनर है वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड PCB डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। जो LTM डिज़ाइनर है उसमें आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन काफ़ी ईजिली बना सकते हो। हाल ही में इन्होंने LTM 365 भी लॉन्च किया, जो कि एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप आपकी सारी डिज़ाइन को सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप कहीं से भी आप आपके डिजाइन को एक्सेस कर सकते हो। इसमें एक और एक फीचर है जिसमें आप मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो LTM 365 बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है तो आप डायरेक्टली लिंक यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो है। इसी के साथ LTM लेके आया LTM स्टूडेंट लैब, जहाँ पे आपको LTM डिजाइनर और LTM 365 जो स्टूडेंट्स के लिए है वो एकदम फ्री है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मिलते हैं, और जो कि आपके इंडस्ट्री अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन रहते हैं, जहाँ पे आपको जो जॉब्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप यही स्कोप ऑफ वर्क या यही फ्यूचर में आपको PCB डिजाइनिंग एज एन डिजाइनर बनना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डू चेक करें। पहला जो मटेरियल हम लोग निकालेंगे वो है थ्रोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का थ्रोटल है, मैं इसको आगे दिखाऊंगा आपको और आगे निकाल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी वायर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं आगे आपको इसका और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ पे हॉर्न स्विच के साथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे थ्रोटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में अभी, और बात करते हैं दूसरी प्रोडक्ट जो बॉक्स में हमें मिल जाता है, वो है वायर हार्नेसिंग। तो वायर हार्नेसिंग काफ़ी लंबा है, मैं आपको आगे वीडियो में इसको पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या यूज़ है, क्या क्या इसमें मिलता है, आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे बहुत लंबा वायर हार्नेसिंग आप देख सकते हैं, सारे कनेक्शन पहले से किए गए, मोस्टली ई रिक्शा के लिए किया गया। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे देखने में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आगे वीडियो में इसको भी दिखाऊंगा। तो बात करते हैं अभी जो अदर प्रोडक्ट है, जो है कि सॉकेट बॉक्स। ये सॉकेट बॉक्स आपको फेज वाइज लगाने में, आपके पॉजिटिव नेगेटिव लगाने में बहुत मायने रखता है, जहाँ कि आपको टेपिंग से नहीं मिलता। तो बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट जो कि है हेडलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइट में आपको आगे जाके दिखा हुआ क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको दो चाबी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, बाद में इसको साइड में रखता हूँ मैं। फिर आते हैं मेरे पास कंट्रोलर, आई स्मार्ट कंट्रोलर, जो कंपनी बोलती है कि इसमें आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी है राज इलेक्ट्रोमोटिव की तरफ से। तो यहाँ पे भी मैं आपको आगे जाके इसके फीचर्स बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए और मैं इसका भी फीचर्स आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये 48 वोल्ट 750 वाट 43 एम्पे रेटेड करेंट के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। उनकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, मेक इन इंडिया का लोगो यहाँ पे मिल जाएगा, आपको देखने मिल जाएगा। तो बात करते तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है कि वो है
वो है चेन। तो यहाँ पे आप चेन देख सकते हैं, यहाँ पे जो हैवी ड्यूटी चेन है ये बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा और बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो DIY के लिए। उसके बाद आपको एक फ्री व्हील मिल जाता है, तो एक साइड फ्री रहता है और एक साइड फ्री नहीं रहता, तो एक साइड एकदम हार्ड रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फ्री व्हील मिल जाता है आपको हैवी ड्यूटी, आप यूज़ कर सकते हैं इसको एज़ पर योर नीड। अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना जो आपका रेगुलर अगर आप बाइक बना रहे हो उसका स्प्रॉकेट भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो जो लास्ट प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट आता है 48 वोल्ट 750 वाट का हैवी ड्यूटी मोटर, यहाँ पे आप देख सकते काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे लग रही है और काफ़ी हैवी मोटर है। तो यहाँ पे ई रिक्शा के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में और बॉक्स में और कुछ तो नहीं है। तो बॉक्सिंग का पैकिंग काफ़ी अच्छा था, कोई डैमेज प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो बॉक्स को रखते हैं अभी साइड में और बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। बात करते हैं अभी हेडलाइट की। हेडलाइट 48 वोल्ट का है जिसमें आपको पावर लेवर इंडिकेटर और हेडलाइट इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके साथ आपको दो कीज़ मिल जाती है, जो एक आप रेगुलर यूज़ के लिए कर सकते हैं और एक बैकअप के लिए आप कभी भी रख सकते हैं। और उसके आपको माउंटिंग्स मिल जाती है हैंडल बार के लिए। तो जैसे आप चाबी को डालते हैं आपको यहाँ पे दिख जाता है टू वे स्विच है। यहाँ पे आपको फर्स्ट जब ऑन करेगा तो आपका खाली इग्निशन होगा, सेकेंड पे आपका हेडलाइट ऑन होने वाला है। तो माउंटिंग्स को लगाना काफ़ी ईजी है, जैसे मैंने वीडियो में लगाया आप वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट हॉर्न मिल जाता है हेडलाइट में 48 वोल्ट के हेडलाइट में। तो यहाँ पे आपको खाली करना क्या है, जो कनेक्शन में जो अल्फ़ाबेट गिवन है, जैसे एक सॉकेट पे ABC लिखा है, वही आपको सेम आपके कंट्रोलर पे लगाना है। यहाँ पे येलो कलर का जो है वो सेम आपको यहाँ पे आपके कंट्रोलर पे लगाना है, सारे गिवन है अल्फ़ाबेट। अभी बात करते हैं थ्रॉटल की। तो थ्रॉटल ऑरेंज कलर में आपको मिल जाता है, पहले है आपका डमी है जो आपको साइड में रखता हूँ मैं इसको। और बात करते हैं थ्रॉटल की, तो थ्रॉटल एक आपको यहाँ पे विद हॉर्न और लंबे वायर के साथ मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका कंट्रोलर पीछे है और आपका हैंडल बार आगे है तो आप यूज़ कर सकते हो। वही सेम सारे कनेक्शन आपको अल्फाबेट टू अल्फाबेट मैच करना है और काफ़ी इजी टू यूज़ है, आपको इजीली आप पुट कर सकते हो। तो बात करते हैं अभी कंट्रोलर की। कंट्रोलर आपको यहाँ पे मिल जाता है 48 वोल्ट 750 वाट का कंट्रोलर आई स्मार्ट राज इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे आपको सारे कनेक्शन अल्फाबेट गिवन्स है। तो जो बेसिक कनेक्शन रहते हैं आपको कंट्रोलर में, जैसे फेज वायर का कनेक्शन हो गया, बाकी सारे जैसे हॉल सेंसर बहुत सारी चीज़ें सब सिमिलर है, हॉल सेंसर का भी सिमिलर है यहाँ पे। तो आपको खाली क्या करना है, मैच टू मैच करना है सॉकेट जो बॉक्स मिला रहेगा आपको, वहाँ पे फेज वायर्स को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है और सारे अल्फाबेट टू अल्फाबेट आपके जितने भी कंपोनेंट उसको मैच करना है। तो इसमें एक ऑटो लर्निंग वायर है जो आपके मोटर को सेट करने में मदद कर देता है और ये रेटेड है 43 एम्पियर का, तो काफ़ी अच्छी पावर है इसके साथ। कंट्रोल का बिल्ड काफ़ी अच्छा है। और कंट्रोल की बात करूँ तो मैं इसमें फ्यूज है, अगर ओवरलोड हो गया तो खाली फ्यूज जलेगा, आपको ये फ्यूज चेंज करना और कुछ करना नहीं, आपका कंट्रोलर सेव होता है। तो बात करते हैं दूसरी प्रोडक्ट की, जो है कि वायर हार्नेसिंग। वायरिंग से आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी वायर हार्नेसिंग, आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। अगर आपका हैंडल बार बहुत आगे है तो आपको वायर हार्नेसिंग बनाना पड़ता है, आपको इस किट में इनबिल्ट वायर हार्नेसिंग मिल जाता है। काफ़ी लंबी वायर है, जैसे कि थ्रोटल की वायर होगी, उसमें बाद में पावर लॉक की वायर होगी, बहुत सारी चीज़ें, हॉर्न की वायर, चार्जिंग सॉकेट अलग से निकाला गया है, आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें पहले से कर चुकी है, जो कनेक्शन है जो छोटे छोटे कनेक्शन है पहले से करके आ चुके हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें वायरिंग से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी हैवी बिल्ट है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाते हैं। तो साइड में रखते हैं अभी चार्जिंग वायर हार्नेसिंग को और बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट जो कि है स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ्री व्हील मिल जाता है, आपको फ्री व्हील स्प्रॉकेट आप जो भी बोले, वन साइड फ्री रहता है और वन साइड रिजिड रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमिलर है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 25-30% पावर अप डाउन करने के लिए आप यूज़ करते हैं, बैटरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज़ है, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद आपको एक चीज़ और मिल जाती है, जो है कि चेन हैवी बिल्ड है काफ़ी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाइक के लिए यूज़ कर सकते हैं, ई रिक्शा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप छोटे बच्चों की बाइक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी जनों ने तो ऐसे साइकिल में भी यूज़ किया है, मैं आपको आगे जाके उनके फ़ोटोज़ दे दूंगा। तो चेन काफ़ी लंबी है, आप तोड़ के आपको छोटा बड़ा जैसे करना है आप कर सकते हो। तो बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि है मोटर। 48 वोल्ट 750 वाट का BLDC मोटर यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांडिंग गिवन है, तो मोटर काफ़ी हाई क्वालिटी का है। कंपनी का दावा है कि ये 500 kg तक लोड ले सकता है, और मैंने देखा भी काफ़ी वीडियोस में कि ये 500 kg तक लोड ले पा रहा है। मोटर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो मोटर से वायर बाहर वायर आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी बिल्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैवी बिल्ट है, BLDC से ब्रशलेस DC मोटर। यहाँ पे भी आपको सॉकेट पे गिवन है कि कौन सा कनेक्शन किसको करना है, अल्फाबेट गिवन है जो आपको अपने कंट्रोलर में आपको मैच करना है, और फेस वायर से बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन रहेगी। आपको कनेक्शन डायग्राम कंपनी की तरफ से मिल जाएगा और काफ़ी लंबी वायर है।